सनी सनी सीढ़ियों को चढ़ती हूँ, पारिस प्रभु के जयंत के साथ शीतल नागा गंधर्व नागा को पार कर पहुंच गए भगवान गौतम स्वामी की टॉप पर। भगवान गौतम स्वामी की टांग से क्रमश वंदना करते हुए आज हम सभी देश में तीर्थंकर पारस प्रभु के चरण निशान बैठ के महाप्रभु ओंकार के नाम के साथ परम समृष्टि भाव की प्राप्ति हेतु पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपार्थी इन ध्यानों पर अपने प्रज्ञा को लेके जाएंगे। ध्यान धारणा ध्येय सभी ध्यानस्थ गौतम स्वामी से लेकर के सभी तीर्थंकरों के टोंके की वंदना करती हुई आज हम सभी पांच प्रभु के चरणों में पहुंच चुके हैं। ये है सुनभद्र को यहाँ पर पूर्ण शांति का वेदन हो रहा है। चारों ओर हरियाली हरियाली आकाश पृथ्वी सदृश दिखाई दे रही, बादल टकरा रहे हैं, जंगल में हाथी चल कर रहे हैं, मयूरों की आवाज बंदरों के झुंड यात्रियों का शेराव सभी निश्चय निश्चय बोल करके पारस प्रभु के चरणों में पहुंच चुके हैं। यह समुद्र को जहां पर कोटि कोटि मुनियों ने तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी के साथ निर्वाण श्री को प्राप्त किया है। तीन प्रदक्षिणा लगा करके सभी भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। ओम ब्रीम श्री पार्श्वनाथ इंद्राय नमः। ओम ब्रीम श्री पार्श्वनाथ इंद्राय नमः। ओम ब्रीम श्री पार्श्वनाथ इंद्राय नमः। हे नमन आज मेरा जीवन सफल है, आपके चरण कमलों की वंदना से कोटि कोटि जन्मों की बंदी का उपशमन हुआ है। प्रभु को नमस्कार करके सभी ध्यान आज हम सभी समेश करके सुनभद्र बोर्ड पर पांच प्रभु के चरणों में बैठ करके महाप्रभु ओंकार का ध्यान करें। एक एक बीज अक्षर अनंत शक्ति संपन्न है। एक एक बीज अक्षर हजार हजार देव आराधक हैं। इन बीज अक्षरों की शक्ति से अप्रतिष्ठित प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। सामान्य मनुष्य साधु बन जाता है। एक पाषाण को परमात्म तत्व की स्थापना इन बीजाक्षरों के माध्यम से होती है।
महाप्रभु उनका तीन लोक से युक्त पंच प्रवेश से पूर्ण अनादि अनंत सिद्धि व्याप्त है। ओम के अंदर तीन लोग व्यस्त हैं और लोग अधम लोग मध्य लोग ओंकार में तीन लोग हैं। अधो लोग ऊत लोग मध्य लोग अधो लोग का आ ऊत लोग का ओ आ ओ मिलकर के ओ मध्य लोग का मा ओ इस ओंकार महापुराण में पंच प्रविष्टि बजते हैं। अयंत का आ अश्रीडी सिद्ध भगवान का आ आचत प्रविष्टि का आ रस रस आदि दीप 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 उपाध्याय का ओ आ ओ मिले को मुनि महाराज का मां ओ जिसने ओंकार का ध्यान किया उसने पांचों परमेश्वर का ध्यान किया। जिसने ओंकार का ध्यान किया उसने तीन लोक वृद्धि संपूर्ण पंचवृष्टि नव देवताओं का ध्यान किया। श्रोतत्व ओंकार महाप्रलय ओंकार सभी ध्यानिस्त अपने ध्यान में आकाश की ओर देख रहे शुभ आकाश में सुंदर चांद खिला हुआ है। ये पूर्णिमा का चांद परम शीतल सजुक्त आप संवेश्वर में शर्वत कूट पर मधुबन गिराज पर वहां पर बैठ करके खुले आकाश में प्रभु पारस के चंद्रश्रा में आकाश को निहार रहे पूर्णमासी का चांद खिला हुआ है। चंद्रमा के अंदर से स्ने स्ने एक आकृति प्रकट होती दिख रही है। धीरे धीरे उस आकृति ने ओंकार का आकार ले लिया है। अमृत की भांति टपकता हुआ गगन पर आकाश में चंद्रमा चंद्रमा के अंदर ओंकार प्रकट हो रहा है। वो ओंकार सने सने धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आ रहा है। और आते आते आपके मस्तिष्क पर ओंकार श्वेत वर्ण विराजमान हो गया। सभी ध्यानस्थ आकाश में चंद्रमा से उतरता हुआ ओंकार महाप्रलय जाकर आपकी मस्तिष्क पर स्थापित हो चुका है।
मस्तिष्क पर ओंकार, दोनों प्रक्रियाओं के मध्य में ओंकार, नासांग पर ओंकार, हृदय स्थल पर ओंकार, वक्ष स्थल पर ओंकार, नाभि प्रदेश में ओंकार, कंठ में ओंकार, पार्श्वनाभ ओंकार, भुजाओं पर ओंकार, संपूर्ण अंगों में ओम भी ओम दृष्टि गोचर हो रहा है। जहां भी दृष्टि फेंको ओम ही ओम दिख रहा है। ओम 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 संपूर्ण अंग अंग में आप क्रम से दिव्य ओंकार को देखो। उच्चारण का ध्यान दो। जैसे ऐसे आप बोलते हो आपका शरीर आकाश की ओर उठता दिखता है, जिनको वेदन को ओंकार सुपोहम, ओंकार सुपोहम, ओंकार सुपोम, ओंकार सुपोम। अहंकार रहितो हम, अहंकार रहितो हम, अहंकार स्वरूपो हम, अहंकार रहितो हम, ओंकार स्वरूपो हम, ओंकार स्वरूपो हम, ओंकार स्वरूपो हम, ओंकार रहितो हम, ओंकार स्वरूपो हम।
चरण दिशा में साक्षी भूमि सम्मेलन सकर्जी में गिराज करीबन में सम्मेलन सकर्जी में चरणों के ऊपर पांच प्रभु के चरणों में आज हम सभी परम आनंद भूत ओंकार महाप्रभु के नाद के साथ निज भगवान आत्मा का शुभ उनका ध्यान करके सभी ध्यान पुनः प्रभु पारस के चरणों में नमस्तु करेंगे। ओम ब्रीम श्री पार्श्वनाथ नमः। ॐ ब्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ॐ ब्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। हे प्रभु, आपके दर्शन पुणे हों, आपके दर्शन पुणे हों, सभी ध्यानिस्थ अपने दोनों हाथ जोड़ करके
दोनों नेत्रों पर ले जाएंगे। भूया पुनर्दर्शनम, भूया पुनर्दर्शनम, भूया पुनर्दर्शनम। आपके दर्शन पुनः ये समझ के अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, गिर नहीं जाएंगे। और पूर्व दिशा में कर्ष श्रुणती पूर्व दिशा में विराजमान पर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधो दिन धर्म जिनागम जिन चेत्य चेत्याने वृत्तिम अकृत्ति जी विमान जहां जहां विराजमान हो उन सबके लिए बारंबार नमस्कार हो। आप नमस्कार करेंगे गवासन से बैठ के जोर से एक में खड़े हो जाएंगे। दक्षिण दिशा की ओर चेहरा करेंगे, दोनों पैरों में चार उंगली का अंतर, हाथ पूरे ढीले कर देंगे, अंगुली चलाए बिना नोवा नमोकार। दिनावर श्रुणती दक्षिण दिशा में विराजमान अजंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय श्री साधो दिन धर्म जिनागम दिन चेत्य दिन चेत्याने कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहां जहां विराजमान हो उन सबके लिए क्या बारंबार नमस्कार हो। नमस्कार कीजिए। पश्चिम दिशा की ओर कालेश्वर आवर श्रुणती पश्चिम दिशा में विराजमान अजंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधो दिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्याले कृत्रिम अकृत्रिम बिंब जहां जहां विराजमान हो उन सबके लिए बारंबार नमस्कार हो। नमस्कार कीजिए। उत्तर दिशा की ओर कार्यशत
आवर श्रुणती उत्तर दिशा में विराजमान अजंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय श्री साधु जिन धर्म जिनागम जिन चेत्य जिन चेत्याले कृत्रिम अकृत्रिम जहां जहां विराजमान हो उन सबके लिए यहाँ बारम्बार नमस्कार हो। नमस्कार कीजिए। सही बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। भक्ति की पुष्पिका आराधना ओम नमः शिवाय सम्मिश्र गए क्या ध्यान लगा माला लगा।